दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज की पैदल यात्रा अभी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रेमानंद जी महाराज अपने निवास स्थान से रात के लगभग 2:30 के आसपास परिक्रमा मार्ग से होते हुए राधा के लिए कुंज को जाते थे, और परिक्रमा मार्ग पर लाखों की संख्या में भक्त आते थे और उनके दर्शन पाते थे। तो बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए और महाराज जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनकी ये पद यात्रा अभी बंद कर दी गई है। कुछ भक्तों का क्वेश्चन प्रश्न है कि यह यात्रा कब तक बंद कर दी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि यह यात्रा 2 से 4 के लिए बंद नहीं की गई, बल्कि यह यात्रा लगभग फरवरी माह तक रोकी जा रही है। उसके बाद फिर से दर्शन वैसे ही होंगे जैसे सर्दी कम होगी और महाराज जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, तो तब तक ये यात्रा बंद कर दी गई है। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने हैं तो इसके लिए आपको राधा के लिए कुंज जाना होगा और वहाँ पर आपको टोकन के माध्यम से दर्शन होंगे। जैसे कि आपको कल दर्शन करने हैं तो आज आपको सुबह के समय राधा के लिए कुंज जाना होगा और वहां से आपको एक टोकन प्राप्त करना होगा। जैसे ही आपको टोकन मिलेगा, टोकन मिलने के अगले दिन आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन होंगे। अगर आपको एकांतिक वार्तालाप करनी है तो आप एकांतिक वार्तालाप में भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, फिर आपको उसी हिसाब से समय बता दिया जाएगा जिसे आप एकांतिक वार्तालाप में शामिल हो सके। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी भक्तों को पता लग जाए कि प्रेमानंद जी महाराज की जो पैदल यात्रा है वो बंद हो चुकी है। अभी भी कुछ भक्त लोग परिक्रमा मार्ग में जा रहे हैं और वहाँ पर परेशान हो रहे हैं। अभी सर्दी का मौसम है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई महाराज जी के दर्शन के लिए रात को परिक्रमा मार्ग पर न जाए। राधे राधे।